इंडस्ट्री में सफलता पाने का ख्वाब हर कोई लेकर आता है, पर उनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो मुकाम को हासिल कर पाते हैं। और उन्हीं में से एक अभिनेत्री रीम शेख है, जिन्होंने महज 8 साल की उम्र में ही अपने करियर की शुरुआत करके आज अपनी मेहनत के बलबूते खुद को टीवी इंडस्ट्री की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक बनाया है। इसके चलते इनके लाखों चाहने वालों की संख्या हो गई है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जहां टीवी इंडस्ट्री के कलाकार दूसरों से आगे बढ़ने की होड़ में उनकी तरक्की से ईर्ष्या करने लगते हैं, तो वहीं टीवी इंडस्ट्री ऐसे 5 सितारे हैं जो इन अभिनेत्री की तरक्की से काफी ज्यादा खुश हैं। तो इसलिए आज हमारे इस वीडियो में हम आपको इन्हीं के बारे में बताएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए रूबरू होते हैं उन 5 सितारों से। नंबर 1, लता सबरवाल। जी हाँ, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम शामिल है अभिनेत्री लता सबरवाल का, जो कि रीम शेख के साथ ये रिश्ता क्या कहलाता है में काम कर चुकी है। आपको बता दें कि लता सबरवाल टीवी इंडस्ट्री की उन्हीं अभिनेत्रियों में से एक है जो रीम शेख की तरक्की को देखकर काफी ज्यादा खुश रहती है। बात करें इसके पीछे की वजह की, तो आपको बता दें कि शो में काम करने के दौरान ही रीम शेख और लता सबरवाल एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। जहाँ रीम शेख लता सबरवाल की छोटी माँ कहकर बुलाती थी, तो लता सबरवाल भी इन्हें अपनी बेटी की तरह मानती है। नंबर 2, हिना खान। टीवी इंडस्ट्री की मोस्ट पॉपुलर और फेवरेट एक्ट्रेस हिना खान आज कामयाबी के शिखर को छू चुकी हैं। इन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर आज एक सफल मुकाम हासिल किया है। वहीं बात करें कि आखिर हिना खान रीम शेख की तरक्की से खुश क्यों हैं, तो आपको बता दें कि हिना खान को रीम शेख में अपनी छवि नजर आती है, जिसके चलते ये रीम शेख को अपनी छोटी बहन की तरह मानती है। नंबर 3, सिद्धार्थ निगम। रीम शेख की तरक्की से खुश होने वालों में एक नाम अभिनेता सिद्धार्थ निगम का भी शामिल है, जो कि उनके अच्छे दोस्त हैं। आपको बता दें कि सिद्धार्थ निगम न सिर्फ रीम शेख को अपना काफी अच्छा दोस्त बताते हैं, बल्कि ये तो ये भी कहते हैं कि रीम शेख एक काफी टैलेंटेड, मेहनती और काफी अच्छे इंसान है, जो हर किसी की मदद के लिए सबसे आगे रहती है। नंबर 4, शिवांगी जोशी। ये रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा की भूमिका निभाकर दर्शकों की चहेती बनने वाली अभिनेत्री शिवांगी जोशी हमारे इस लिस्ट में शामिल है। आपको बता दें कि शिवांगी जोशी और रीम शेख ने इस शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में ही साथ काम किया था, जहां शिवांगी जोशी ने रीम शेख की मेहनत और उनका अपने काम के प्रति डेडिकेशन देखा, जहां कई बार बीमार पड़ने के बाद भी रीम शेख अपने काम से पीछे नहीं हटती, और यही वजह है कि शिवांगी जोशी आज इन्हें बहुत पसंद करती है। नंबर 5, शहबान अजीम। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में नाम शामिल है अभिनेता शहबान अजीम का, जो वर्तमान में इनके साथ इनके मोस्ट पॉपुलर शो तुझसे है राब्ता में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि शो में काम करने के दौरान शहबान अजीम और रीम शेख काफी ज्यादा नजदीकियां बढ़ा चुके हैं, जिसके चलते दोनों के लिंकअप की खबरें आनी शुरू हो गई और ये रीम शेख की तरक्की से काफी खुश होते हैं। तो दोस्तों, रीम शेख के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और मजेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।